लखीमपुर खीरी दे विच जिहड़ी घटना वापरी है ये बहुत ही गहरा चिंतन मंगदी है। ये कोई सधारण घटना नहीं है कि एकदम गड्डियां आईयां चढ़ गईयां लताड़ के बच्चियां नूं नौजवानां नूं मौत दे मूंह च पा के चलियां गईयां। नहीं, मैं एक इशारा कर दिया, सियाने विद्वान एक उदाहरण दिंदे हुंदे सी, कहिंदे एक बकरी का छोटा जिहा लेला वगदी हुई खाल दे विच पानी पीण जांदा है। इधर ध्यान रखो जरा, पानी की आड़ चल रही है, खाल वग रही है, ते छोटे जे लेले नूं बकरी दे नूं प्यास लगी ते पानी पीण गया। जदों ओ लेला पानी पीण लगा ते उत्थे एक बघियाड़ भी पानी पी रहा सी। उस बघियाड़ ने आके लेले नूं आखिया भी तू पानी जूठा कर दिता सारा, तैनूं पता नहीं इत्थों ही मैं पानी पी रहा, इत्थों ही तू पानी पीण लग गया। वह लेला बेचारा हाथ जोड़ के कहिंदा बघियाड़ नूं, कहिंदा सजना मैं पानी उत्थों पीता जिधरों पानी आ रहा है, ते तू पानी मेरे तो अगे पीता है, पहला तू पानी पीता बाद च मैं पीता, तू मेरा जूठा नहीं पीता बल्कि मैं तेरा जूठा पानी पीता है। हुण बघियाड़ ने मारना सी उन्हूं, खत्म करना सी बहाना बना के। हुण बघियाड़ कहन लगा, कहिंदा चल पानी की गल छड, तू दो कु साल पहला मैनूं गाल कढ के भज गया सी। ओ बेचारा लीला जिहड़ा छोटा जिहा मेवणा कहन लगा, जी मेरी तो उम्र ही 3 महीनिआं दी है, 2 साल पहला मैं गाल की कढ़नी सी। वो कहिंदा चल कोई गल नहीं, जे तू नहीं कढ़ी तेरे भरा ने कढ़ी होएगी, वह भी तेरे वर्गा ही सी, मेरा मकसद तो तेनू खाना है। ते नाल दी नाल उस लेले नूं उहने खा लिया, खत्म कर दिता। समझ गए ना बेनती गुरमुखो, इन्हां दा मकसद तुहाडियां दस्तारां नूं खत्म करना है। तुहाडे आ प्रकाश जिहड़े दाड़े ने तुहाडे गात्रियां विच पईआं होईआं जिहड़ियां कृपानां ने, जिहड़ियां सुनेहां दे रहीआं ने आजाद ते सुतंत्र सोच दा, इन्हां नूं पता लग चुका है कि हिंदुस्तान की धरती दे उत्ते साहबजादियां दे पवित्र खून विच रंगियां होईआं दस्तारां दे जिहड़े वारस ने, भावें ओह यूपी विच होण, भावें हरियाणे विच होण, भावें पंजाब विच होण, जदों भी कोई काम करन वास्ते ये अगे लग के तुर पैंदे ने, ये अपनियां जानां निछावर कर दिंदे ने, पिछे नहीं मुड़दे। ते जदों आपां गहरा चिंतन करके देखांगे ना गुरमुखो, रोज़ खबरां पढ़िया करो, क्योंकि सिख नूं सुचेत होना जरूरी है। चंगे पत्रकारां दीआं खबरां सुनो। गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी भी जगत नूं जदों तारन वास्ते तुरे ने, उन्हां ने भी पहलां संसार नूं पढ़िया है। बेशक उन्हां ने अखबार नहीं पढ़ी जां बाहरों खबरां नहीं लईआं, पर पढ़िया जरूर है। बाबा देखै ध्यान धर, जलती सब पृथ्वी दिस आई। जे गुरु नानक साहब जी देखते ही ना कि दुनिया विच की हो रहा है, कित्थे कित्थे अग्गां बलियां ने, कित्थे कित्थे मनुखां दे हक खोए गए ने, कित्थे कित्थे दुखियां ते मजलूमां नूं सताया जा रहा है, ते महाराज सच्चे पातशाह जी 4 उदासियां दा सफर कदे ना करदे। उन्हां ने अपने घर दी, अपने पिंड दी, अपने शहर दी 4 दुआरी तों अगे जा के
समुची मनुखता दे दर्द नूं पहला समझिया जाणिया देखिया ते फिर उस दर्द नूं मंडाउण वास्ते महाराज जी तुरे ने। अज सानू भी सचेत होने की लोड़ है। अज की खबर तुसी पढ़ लो, उधर बॉर्डर ते जेड़े जाना निशावर कर रहे ने उन्हां दे सिरां ते भी दस्तारां ने। जे पंज शहीद होए ने ते पंजां दे विच्चों चार ओह ने जिन्हां दे सिर ते दस्तार है। जे बॉर्डर दे उत्ते किते दस शहीद हो रहे ने ते उन्हां दे विच्चों सत्त इदां दे ने जिन्हां दे सिरां ते दस्तारां ने। ते इस तरह जिथे जिथे भी तुसी दस्तार सजा के खिमा कर दिओ गुरमुखो, उन्हां नूं नहीं पता कि साडे अंदर दी रहत की है। गुरु साहिब जाणदे आ कि दस्तार दे नाले दा किरदार किस तरह दा है, गुरु साहिब जाणदे आ। पर उन्हां वास्ते तुहाडी दस्तार, तुहाडे दाड़े, तुहाडे उत्तों दीआं पाईआं होईआं कृपानां ही सिक्खी दा सरूप ने। ते गहरा चिंतन करन दी लोड़ है, लम्मी सोच अपनाउण दी लोड़ है। जे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी की गवाही लैके आपां तुरांगे ते महाराज सच्चे पातशाह जी बंधन कटदे आ बंधन। एक उदाहरण मैं तुहानू होर दे के समाप्ति करां। कहिंदे मिस्र दी जेल दे विच कुछ कैदी इदरां दे सी जिन्हां नूं मौत तक की सज़ा दित्ती गई, मौत तक की। एक तो वह कैदी होंदे आ ना जिन्हां नूं 20 सालां बाद, 14 सालां बाद जां कुछ सालां बाद रिहा कर दिता जांदा। पर एक वह कैदी होंदे आ जिन्हां दी मौत ही जेल विच होनी हुंदी है, मौत तक की सज़ा। इस तरह के कैदी सन जिन्हां मौत तक की सज़ा सुना दिती गई सी। पर वक्त इस तरह का आ गया, मिस्र दे बादशाह दे मन च कोई इस तरह की मेहर पै गई, कोई खुशी का मौका आ गया ते जिहड़े 40-40 50-50 साल तो जेल विच कैद सी ना, जिन्हां दे पैरां विच बेड़ियां पै चुकियां सी, हत्थां विच हत्थ कड़ियां सी, इशनान कीतियां नूं कई कई साल लंघ गए सन, केस जिन्हां दे खिदरे होए सन, ते अज उन्हां दी रिहाई दा जदों हुक्म होया, उन्हां नूं जेल विच्चों जदों बाहर कढ़न लगे ते उन्हां ने ना जिहड़े सिपाही सी कटर मंगवा के पैरां विच पईआं होईआं बेड़ियां जदों कट्टणियां शुरू कीतियां, हत्थां विच पईआं होईआं हत्थ कड़ियां नूं लाउण दा जदों यतन कीता, कैदी धाहां मार के रोण लग पे, चीकां मारन लग पे। वह जिहड़े सिपाही सन कहिंदे रोंदे क्यों हो, 40-40 50-50 साल दीआं जिहड़ीआं बेड़ियां तुहाडे पैरां च पईआं है, हत्थ कड़ियां तुहानूं लगियां होईआं, असीं तुहाडीआं हत्थ कड़ियां ला के, तुहाडीआं बेड़ियां ला के तुहानूं आजाद करन लग्गिआं, तां तुसीं रोंदे क्यों हो। ध्यान देना, वह कैदी पता की जवाब देंदे ने, असल विच 50-50 60-60 साल पैरां विच बेड़ियां ते हाथ कड़ियां विच फसे हुए जिहड़े कैदी सन, उन्हां दा बेड़ियां ते हाथ कड़ियां नाल ही इन्ना प्यार हो गया सी, वह हाथ कड़ियां ते बेड़ियां नूं ही अपने तन दे गहने समझण लग पे सन। वो कहन लगे साडा हुण इन्हां नाल इन्ना प्यार है, ना बेड़ियां लाओ ना साडे हाथ खाली करो, सानूं इह बड़ियां चंगीआं लगदीआं। जिहड़ियां कौमां गुलाम हो जांदीआं ना गुरमुखो, उन्हां नूं कुछ दहाकियां बाद गुलामी ही बड़ी मिठी लगण लग जांदी है, उन्हां नूं पईआं होईआं बेड़ियां ही बड़ियां पसंद आउण लग जांदीआं है, वह हाथ कड़ियां नूं गहने समझण लग जांदे है। बस बेनती ये समझियो गुरमुखो,
गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने सानू जेड़ा जीवन फलसफा दिता है, जेड़ा सिद्धांत दिता है, अपने पहले जामे विच सतगुरु सच्चे पातशाह जी पंडित नूं कहिंदे ने जे तू धक्के नाल जनेऊ पाएगा तो मैं नहीं पवाउणा, ते नौवें जामे विच कह रहे ने जे तू धक्के नाल जनेऊ लाएगा तो मैं लाउण नहीं देना, मैं अपना सीस निछावर कर देंगा पर यह धक्का नहीं होण देंगा। मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सानू स्वतंत्र सोच दिती है। साडे सामने हलेमी राज दा सुपना सिरजिया है। अज लोड़ है कि आपां जड़ नू सिंजिए, पत्ते धोण दा यतन ना करिए, पत्तियां नू पाणी देण दा यतन ना करिए। महाराज जी कहिंदे जदों जड़ हरी हो गई पत्तियां ते पानी पाउण दी लोड़ ही नहीं, वो असर पत्तियां तक आप ही पहुंच जाना है। अज लोड़ है आपां अपनी जड़ नूं सिंजीए, ते सिंजना कादे नाल है? गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने जिहड़ा सानूं फलसफा दिता है, जिहड़ी जीवन जाच दित्ती है उन्हां ने, जिहड़ा जीण दा ढंग दिता है, पै काहूं को देत नै नै पै मानत आन कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान। इस तरह की सोच दे आपां धारनी बन के जदों आपां मनुखी हक्कां की खातर लड़ांगे तो फिर गुरु साहब साडी सहायता करनगे। गुरु साहब सदा ही सहायता करदे आ, पर यह भी बचन याद रखने चाहीदे ने बाणी दे, कबीर पूरा सतगुर क्या करे जो सिखा मैं चूक अंधे एक ना लग गई ज्यों बांस बजाइए फूक। बाणी दे बचन ने भगत कबीर जी कहिंदे पूरा सतगुरु भी उत्थे जाके हथ खड़े कर दिंदा है जे सिख वार वार चुक करी जान, भुल करी जान, अपने असल रस्ते तो थिड़क जान। ते महाराज जी ने ते सीधा ही कह दिता जब लग खालसा रहे न्यारा तब लग तेज दियो मैं सारा, जब ए गह बिपरन की रीत तब मैं ना करूं इनकी प्रतीत।